झरिया के अंचल कार्यालय के समीप हल्का कर्मचारी के कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरा कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में इसकी सूचना झारखंड फायर सर्विस धनबाद कार्यालय को दी गई, जिसके बाद वहां से दमकल की गाड़ी झरिया अंचल कार्यालय के समीप पहुंची और पानी का तेज बहाव से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से कार्यालय के कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक हो गए, जिसमें विभाग की भारी नुकसान का आशंका जताई जा रही है। वहीं झरिया अंचल कार्यालय के अंचला पदाधिकारी रमेश कुशवाहा ने बताया कि पुराने कागजात पुराने कमरे में रखे गए थे। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और गार्ड के द्वारा आग लगने की सूचना दी गई है। पुराना तहसील कचहरी था, उसमें पुराने कागजात वगैरह रखे हुए थे जी। हम लोग कार्यालय में काम कर रहे थे, अचानक गार्ड द्वारा सूचना दिया गया कि सर वहाँ पर धुआं निकल रहा है। हम लोग जाकर देखे तो वहाँ पर आग लगी हुई थी। किस कारण से और कैसे आग लगी तो अभी लोग जांच का विषय है, उसके बारे में बाद में ही बता पाएंगे हम लोग कैसे आग लगी। लेकिन आग लगी बहुत सारे कागजात उसमें थे, पुराने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो जाति प्रमाण पत्र मैनुअल बनते थे जी, उसके जो डॉक्यूमेंट लोग जमा करते थे वही लोग वही सब डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आग लगी। तो फायर ब्रिगेड को सर सूचना किया गया था? फायर ब्रिगेड को सूचना किया गया और हम लोग भी प्रयास कर रहे थे, तब तक बहुत हद तक हम लोग उसको कम करने का प्रयास किया, पानी डाल करके कम कर रहे थे, तब तक फायर ब्रिगेड भी आई और फिर आग पे काबू पाया गया। थैंक यू सर।